One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. इस इवेंट से कितना फायदा मिलेगा? इस इवेंट से इस इवेंट को जब शुरुआत करें तब छोटे छोटे जगहों पे भी इस कंपटीशन को किया गया, जैसे कि गुवाहाटी में भी एक नॉर्थ ईस्ट में कंपटीशन हुई, तो उसके आसपास के जो एरिया है उनके स्कूलों को पता चला कि ऐसा इवेंट होता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कॉम्पिटिशन होता है, उन्हें कम से कम देखने के लिए भी अगर मिला है हिस्सा तो उनमें एक चेतना अभी धीरे धीरे शुरू हो गई है कि हाँ अगली बार तो पार्टिसिपेट करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और कई छोटे बड़े शहरों में जहाँ साइंस सेंटर नहीं भी है वहाँ पे भी ये कॉम्पिटिशन या नेशनल लेवल इवेंट हुआ, तो उसके आसपास से इसकी जरूरत इसकी हुई है, धीरे धीरे लोगों को पता होने वाला हो रहा है। जैसे कि अभी सुधांशु जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है अभी, तो वो हम इसको सुधारना थोड़े डिजाइन किए हुए आप देखेंगे अभी जाएंगे फिर तो कि उनके रोबोट अलग अलग कलर के ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उन्हें उठाते हैं, उन्हें सेग्रीगेट करते हैं, तो ये सब चीज़ मतलब धीरे धीरे जब आएंगे तो बड़े होंगे तब, क्योंकि अभी रोबोट तो हर फील्ड में है और जब ये आएगा तो उससे पहले जब नेशनल लेवल के इवेंट के बाद 563 गेम्स नेशनल लेवल में आई थी, और उससे पहले रीजनल लेवल पे जो 1360 में हुआ उसका नाम मुझे भी नहीं है। आज 27 टीम्स इंडिया की